हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज में। दोस्तों, आज हम इस मार्बल कटर मशीन के जो ये स्विच होता है इसको चेंज करेंगे। ये वाला, ये देखिए, ये पुश बटन है, ये ख़राब हो गया है, तो हम आज इसको चेंज करेंगे। और कैसे चेंज करते हैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। ये देखिए, ये हमने नया स्विच लिया है, ये ऐसे आता है अंदर से, ये पुश बटन है, ये देखिए ऐसे। और ये इसके दो टर्मिनल है जहाँ पर इसके कनेक्शन होंगे। तो सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा हमारे को। तो इसको खोलने के लिए हमें इन स्क्रू को खोलना पड़ेगा। देखिए, ये यहाँ स्क्रू लग रखे हैं, इनको खोलेंगे तो ये जो है इसका ये पार्ट अलग हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इनकी स्क्रू को खोल लेता हूँ इस पेचकस की मदद से। ये एक, ये देखिए, ये तीन स्क्रू है यहाँ पे। ये स्क्रू को खोल लेते हैं इस पेचकस से। ये देखिए, ऐसे स्क्रू होता है ऐसा। तो यहाँ इसको खोल लेते हैं। ये देखिए, ये जो तीन स्क्रू थे हमने खोल दिए। देखिए, ये तीनों स्क्रू खोल दिए हैं। ये तीनों स्क्रू खुल चुके हैं। इसको सीधा करके इसको यहाँ से निकाल देना इसको। देखिए, निकल चुका है यहाँ से। ये एक साइड का तो निकल चुका है, मैं इसको यहाँ से भी निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये इसका अलग हो चुका है ये पूरा। और ये हमारा स्विच है जो कि खराब हुआ है। हमने क्या, इसको डायरेक्ट कर रखी थी, तो ये देखिए दोनों टर्मिनल एक में लगा रखे हैं। तो सबसे पहले तो इसको टर्मिनल को खोल लेता हूँ मैं। ये स्विच आ गया बाहर, अब इसको यहाँ से खोल लेते हैं स्विच के टर्मिनल को। ये देखिए, हमने खोली, ये इसके दो टर्मिनल है। और ये हमारा जो स्विच है जो खराब हो रखा है, ये देखिए, ये और ये देखिए सेम ही है पूरा। देखिए, दोनों सेम है। ये इसके ऊपर की कैप है जो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। ये हमारा पुराना स्विच है, इसको साइड में कर देते हैं। और ये हमारा जो नया स्विच है, यहाँ देखिए आपको ये दो तार मिलेंगे, इनको आपको कुछ नहीं करना है, एक इस टर्मिनल में लगाना है और एक यहाँ लगाना है। तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। देखिए, एक यहाँ लगाया मैंने और ये दूसरा यहाँ लगाया। यहाँ लगा के आपको इसको टाइट कर देना है इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा स्विच लग चुका है। अब इसको वापस फिटिंग कर लेते हैं। जो ये पार्ट है इसके अंदर यहाँ फिट कर लेते हैं इसको।
देखिए मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया है। ये देखिए यहाँ इस तरह से अंदर फिट हो गया है। अब इसका ये जो सेकंड पार्ट हमने खोला था ये ढक्कन, इसको वापस फिट कर देते हैं। ये फिट हो चुका है। ये देखिए ये हमारा स्विच बटन ये लग सका। अब हम इसको ये स्क्रू वापस कस देते हैं। तो ये तीनों स्क्रू वापस कस देते हैं, फिर हम इसको चला के बताएंगे। देखिए जैसे स्क्रू कसे ये पूरा फिटिंग हो रहा है। ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है। ये हमारा नया स्विच लग चुका है और ये हमारा पुराना स्विच था जो खराब हो गया है। ये देखिए एक्चुअली इसके अंदर हुआ क्या है वो भी देख लेते हैं। इसको खोलेंगे, देखिए स्विच को खोला तो अंदर ये देखिए कोई पत्ती लगी हुई है। और यहाँ पे ये जो इसका ये पार्ट है ये देखिए ये जल चुका है। ये क्या है, ये हीट की वजह से गर्म होके और इसके आकार में परिवर्तन हो गया, इसलिए ये स्विच खराब हो चुका है और ये काम नहीं करता है। तो इसको वापस ऐसे फिट कर देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है स्विच लग के। एक बार हम इसको चला के देख लेते हैं कि स्विच वर्क करता है या नहीं करता है।